हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है जुनेद। मैं हूं असर। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताएं कैसे आप लोग। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं किस पे? BTS लव नमजून। बहुत रिक्वेस्ट इस वीडियो की, तो ले आए आप लोग की रिक्वेस्ट पे। आप लोगों का क्या बनता है? लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब लाजमी कर देना, सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना, तो सब्सक्राइब कर दो। चले चलते वीडियो की तरफ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। BTS लव नमजून। Here we go. Oh, yeah. Yeah. Oh, 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 yeah. 데뷔로 형이랑 같이 옆에서 한 거 처음인 것 같은데요? 우 바꿔 자도 돼요? 뭐 하지? 거리를 지키자고. 형 나 좋아하죠? 좋아하지. 이제 안고 자는 거랑 서로 바람도 날지. 왜 서로 안고 잘 수 있지? 이만 잡고 자도 돼요. 끝까지. 랩! 랩! 들려드릴게요. 렛츠고. 오! 항상 언제나 똑똑하고 잘해왔기 때문에 연극 닮은 소셜 예하 무제 대대 다골 멋있는 모습 많이 보여주시면 감사하겠습니다. 파이팅 하십시오. 약간 며칠 떨어져 있으면 다시 보고 싶은 사람들. He said, when we like, we have sometimes we have a vacation and you know don't see each other for like a week. And he said he already missed like each other. So. Yeah. I'm proud of you. Thank you for touching me. 멋있을 때가 이제 작년 이제 그래미. 그치. 아 맞지 맞지. 아 핫가이였어. 그때 청자켓을 입고. 그때 맞아. 선글라스 최고였어. 청자켓에 그리고 머리 길렀었거든요. 유엔 스피치 너무 잘하십니다. 아, 뭐 근데 저희가 한 줄 보면 남 그 리더가 해줘서 유엔 스피치 남준이 어떤 생각? 나는 그 뒤에만 있어도 심장이 벌렁벌렁거리는데 그 말하는 사람 어떡하냐. 남준이 영어를 아예 못한다고 생각해보세요. 그러니까. 우리 방송 나가서 어떡해? 존재 감사해. 남준이 딱 가서 존재 해줬어. 참 감사해. 그거 한번 예, 진영 겁니다. 그거 그거 영상 볼 때 좀 조금 눈물 흘렸어요. 뭐 그 이용하세요 할 때 스티피드였죠? 어 우리 남준 형 얘기 듣고 감명이 깊었다니까 이걸 볼 팬분들한테 한 마디 해주시죠. 오케이 어, 좋습니다. 오늘 되게 뭐 뭐야 남준 형이 진짜 잘했어요. 다 우리 리더에게 박수. 내가 왁 남준 진짜 잘했고 확실히 애들이 있으니까 아,
약간 좀 힘이 생겨가지고 원래 촬영해야 되는데 지금 안에서 촬영하고 있고요. 아 진짜? 벌써 2020년 준비를 하고 있습니다. 아 남미씨가 항상 참 좋아요. 네 개인고 또 만나면 또 가서 열심히 부탁드리겠습니다. 예. 다시 너무 먹어. 저 말고 다른 애 합시다. 사이트로 오기 거의 전국이 추천. 전국이 되게 아니면 레몬형이 하면 돼. 레몬형 코스 신이에요. 아 레몬형 형 레벨 코스 형이 나올걸요? 감사해요. 또 보고 싶다. 나도 네. 앞에서 볼래. 자, 나도 이런 거 한번 구경하자. 앉아서 자 다 같이 보자. 야 하나 둘 셋. 감사해요. 아 귀여워. तो कैसी लगी आपको BTS का प्यार RM के लिए? RM के लिए बहुत प्यार है सबको और सब बहुत ज्यादा सिर्फ BTS को नहीं आर्मी को भी बहुत ही प्यार है क्योंकि बेस्ट लीडर है वो और जितना उसने मतलब टीम को मैनेज किया और टीम को अच्छे से एज अ फादर फिगर कह सकते हैं ना क्योंकि संभाल है वो बहुत ही अच्छी बात है और RM बेस्ट लीडर है और BTS भी बहुत ही प्यार करते हैं इस वीडियो में देखा आप लोगों ने और RM भी बहुत प्यार करता है उनसे और काफ़ी उनका ख्याल करता है RM भी और काफ़ी अच्छी वीडियो थी आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे RM और BTS शुरू में जब हमने BTS स्टार्ट किया था तुम किसके बारे में बोलते थे कि शाहरुख खान की तरह लगते इसके बाल वैसे है वी का बोलता था या जिमिन का वी का हाँ वी की यहाँ तक लुक जो आती थी ना वो शाहरुख खान की तरह आती थी आइस क्योंकि बाल उसने ऐसे किए होते शाहरुख खान के भी एक जमाने में ऐसे बाल होते थे और आइस तक वो आती थी फील शाहरुख खान है ना नहीं आई फेस नहीं आइस तक वो जो स्टाइल हेयर स्टाइल होता था और आइस तक फील आती थी शाहरुख खान की है ना आप लोग कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और RM कैसा लगता है आपको कमेंट करके बताएं एज अ लीडर और UN की स्पीच मैंने सुनी थी स्पेशली मुझसे डर नहीं जा रहा था और रिएक्शन में मुझे लग रहा प्रॉब्लम होगी UN की स्पीच या यूनाइटेड स्टेट की तो कॉपीराइट प्रॉब्लम होगी इसलिए मैंने वीडियो अपलोड वो क्या कहते हैं वीडियो नहीं बनाई उस पर लेकिन मैंने देख लिया था खुद ही आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको UN की स्पीच कैसी लगी और भी कोई ऐसी वीडियो वो भी कमेंट करके बताना हम जरूर देंगे तो इस वीडियो क्या करना है लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ मिलते हैं इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाकर फॉलो करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो